वह रीवा से है जहां लिफ्ट में कई मरीज फंस गए हैं। करीब एक घंटे तक मरीज के फंसे होने की जानकारी मिली है। कर्मचारियों ने हालांकि मरीज को बाहर निकाला। संजय गांधी अस्पताल का ये मामला है। अस्पताल प्रशासन घटना की जांच में जुटी है। कर्मचारियों ने मरीज को बाहर निकाला। एक घंटे तक लिफ्ट खराब होने की वजह से तकनीकी कारणों के चलते लिफ्ट खराब हो गई, जिससे मरीज लिफ्ट के अंदर ही फंस गए। ये तस्वीरें देखिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल की है। हालांकि याद होगा आपको, अभी हाल ही में मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जब अस्पताल पहुंचे थे किसी से मिलने, तब उन्हें सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ा था। उन्होंने लिफ्ट चालू करने के लिए प्रबंधन से मांग की थी, लेकिन लिफ्ट चालू होते ही ये तकनीकी समस्या के कारण मरीज और मरीज के परिजन को फंसे रहना पड़ा। ये घटना अभी हमको पता लगी आपके माध्यम से, ऐसा होना नहीं चाहिए। नियमतः लिफ्ट में 24 घंटे एक लिफ्ट ऑपरेटर अंदर होना चाहिए जो लिफ्ट को चलाए और लोगों को ऊपर नीचे मदद को आने जाने में। तो इस वीडियो से ये भी दिख रहा है कि लिफ्ट ऑपरेटर भी अंदर नहीं था, तो प्रथम दृष्टया ये तो ये लापरवाही तो सीधी सीधी समझ में आती है। अब आपने भी बताया, आप पूछताछ करते हैं, जांच करवाते हैं इसकी। चलिए संवाददाता अंचल शुक्ला का हम रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए रीवा से फोनलाइन पर। अंचल, क्या कुछ पता चल पाया, किन कारणों के चलते लापरवाही हुई? जी बिल्कुल दीपक, अभी आप सुन रहे थे, ये सीएमओ हैं संजय गांधी अस्पताल के, जिनका कहना है कि पहले चूक समझ में आ रही है, उसमें ऑपरेटर होना चाहिए था लिफ्ट में, लिफ्ट में ऑपरेटर नहीं है, 24 घंटे तैनात रहता है। तो इसको आखिर अमल में कौन लाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें अमल में लाना चाहिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, निश्चित रूप से चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होती नजर नहीं आ रही। संजय गांधी अस्पताल आए दिन अपनी व्यवस्थाओं को लेकर किसी न किसी मामले को लेकर के और सुर्खियों में रहता है। संजय गांधी अस्पताल विंध्य संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर हजारों और लाखों की तादाद में मरीज आते हैं। ऐसे में इस तरीके से लिफ्ट में घंटे भर उसमें मरीज भी था, स्टेशन पे लेटा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे और भी मरीजों के परिजन थे, जो दिख रहा है कि एक घंटे तक लिफ्ट में परेशान रहे, लिफ्ट में ऑपरेटर भी नहीं था और काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष किसी मरीज को देखने के लिए अस्पताल गए हुए थे और खराब लिफ्ट पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की थी, लेकिन हुआ क्या, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और उसके तुरंत बाद ही लगभग हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं और उसके बाद इस तरीके की अव्यवस्था जो है संजय गांधी में देखने को मिल रही है। सामने के जो दो लिफ्ट है जो आम लोगों के लिए बनाए गए हैं वो बंद पड़े हुए हैं। ये जो लिफ्ट अंदर है और इसमें स्ट्रेचर के माध्यम से मरीजों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ले जाया जाता है, उससे जब मरीज या परिजन आते जाते हैं तो इस तरीके की घटना निश्चित रूप से काफी घातक है और अस्पताल प्रबंधन को चाहिए कि समय समय पर उसकी सर्विसिंग कराएं और ध्यान रखें इस बात का कि वो बंद ना हो, तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से अगर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं तो निश्चित रूप से मरीजों की जान भी जा सकती है। बड़ी लापरवाही है ये दीपक। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंचल, ये एक बड़ी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो, बोले कि कम से कम 2 मिनट का वीडियो बना, 5 मिनट अपना करके बताइए, मैं अंदर जो फंसा उसे पूछूं। अरे बाहर वाले अपना जवाब देकर पढ़िए।